दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही दुख भरा न्यूज़ आया मार्केट के अंदर। मार्केट पर यानी राकेश झुंझुनवाला जी की न्यूज़ आई है। मैंने इस स्क्रीन को मैंने ऑन किया आपके सामने कि बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला डाइस। आज यानी 1 घंटे पहले इसकी खबर आई है। यानी बहुत ही यानी सैड न्यूज़ है। लेकिन इस सैड न्यूज़ का मार्केट मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभी तो ये लोग बाकी सभी लोग यही सोच रहे हो और पब्लिक भी बहुत परेशान है अभी कि भाई क्या होगा मार्केट में। तो मैं आपको मेरी चैनल पर लेके आता हूँ। मेरी चैनल जो है टेलीग्राम चैनल उस पर लेके आता हूँ। अब देख लो कि यहाँ पर FII ने 3,040 करोड़ का इन्वेस्ट किया था बराबर। दूसरा DII ने यहाँ से पैसा निकाला था। तीसरा FII ने फ्यूचर बाय किया था, 921 करोड़ का फ्यूचर बाय किया था। इंडेक्स भी बाय किया है 3,430 का और यहाँ पे फ्यूचर बाय किया है 119 करोड़ का बराबर। तो यहाँ पे इन लोगों ने फ्यूचर बाय करके रखे। अभी आप सोचो मेरी बात खाली इतना समझने जैसा है कि FII जो एक एक प्रोफेशनल ट्रेडर जिसे कहते हो आप और मैं भी कहता हूँ और पूरी दुनिया कहती है कि ये प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडर्स है। इनके अंदर इमोशन जैसी चीज़ यानी बहुत ही जीरो जीरो देखने मिलेगी। फिर भी मार्केट में थोड़ा बहुत इम्पेक्ट रह सकता है। लेकिन अगर मैं चार्ट पे आता हूँ तो चार्ट पे मुझे एक चीज़ देखने मिलती है कि यहाँ पर किस तरह से ये लोग ट्रेड करने वाले। अगर मान लो आप इस पैनिक न्यूज़ से मान लो फ़ायदा उठाना चाहते हो और पुट लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप में आ जाओगे। इसलिए कृपया करके इस पैनिक न्यूज़ का फ़ायदा उठाने का बिल्कुल सोचे नहीं, ना कॉल में ना सी में ना कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि 1 वीक आप पूरा रेस्ट कर लो, आराम कर लो और उनका नाम का स्मरण करो ताकि आपके अंदर उनकी एनर्जी आए। मेरा मानना एक ही है क्योंकि मैं मेडिटेशन पावर से जुड़ा हूँ और मेडिटेशन कॉन्सेप्ट से ही काम कर रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको कह दूं कि मान लो कि ये अगर प्रोफेशनल ट्रेडर है तो किस तरह से बाइंग सेलिंग करेगा। तो मेरे सामने 4 घंटे की कैंडल यहाँ पे, जबकि 4 घंटे की कैंडल में कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं 4 घंटे की कैंडल के अंदर बहुत आसानी होती है मुझे बताने के अंदर। ये लोगों को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग अपना जो काम है गैप अप का वो करने वाले हैं और उनका पैसा जो भी उन्होंने डाला है वो रिकवर करने वाले। तो FII बहुत चालाक होते हैं और इमोशनल इनके अंदर बहुत कम रहता है। मार्केट के अंदर चांसेस वही रहेंगे कि वो अपना पैसा कैसे भी करके रिकवर करे। तो इनका जो टारगेट है 39,252 का बराबर। अगर मान लो आप गलती से भी पुट ले लेते हो ना, अगर मान लो सैड न्यूज़ से, तो बहुत आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। क्योंकि मान लो मार्केट सी में चला गया तो उनका टारगेट हिट हो जाएगा, 16 तारीख को उनका टारगेट हिट हो जाएगा बराबर। तो आपकी पुट की जो ऐसे वहाँ पर हिट हो जाने वाली है पहली बात। तो इमोशन में काम ना करें मेहरबानी करके। मार्केट मार्केट में कुछ भी हो सकता है कभी भी, लेकिन कुछ भी हो सकता है उसका फायदा ना उठाए। क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि बजाज फाइनेंस ने जब कोरोना के अंदर लोग पुट बाय कर रहे थे तो बजाज फाइनेंस ने उस टाइम में 10% प्लस कर दिया था मार्केट को। सबकी पुट की वाट लगा दी थी, सबकी पुट कैंसिल कर दी थी। तो कभी भी ऐसे इवेंट में ना जाए मेहरबानी करें मेरे पे। तो ये चीज़ें बहुत ख्याल रखें। दूसरी चीज़ें मार्केट के अंदर की आगे क्या सी के बाद में, तो सी के बाद में मैंने डेट लिखी है। ये सप्लाई जोन है 17-8 का, सप्लाई जोन है 38,935 का। तो रजिस्ट्रेंस क्रॉस करे ना करे उसकी बात की बात है, लेकिन पैनिक न्यूज़ मार्केट शायद इफेक्ट दे सकती है, सप्लाई जोन पे वापस आ सकता है। तो 38,935 का जो सप्लाई जोन है वहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो वहाँ से वापस एक लोग कंसोलिडेशन स्कैल्पिंग बाय कर सकते हैं 38,993 तक, जबकि बहुत ही कम पॉइंट मिलने वाले 60-70 पॉइंट की मान लो, बिकॉज आपके पैनिक न्यूज़ है मार्केट के अंदर बराबर। तो डेट आ रही है 17-18 की, तो वहाँ से छोटी सी बाएंगे, फिर वहाँ पर वापस आप सी ठीक कुछ बाय ना करें। कृपया करें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का इंतजार करें। मैं तो कहता हूँ पी भी बाय ना करें। अगर मेरे पास ये डेटा है तो भी मैं पी की कुछ बाय नहीं करने वाला हूँ। पहली बात तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज़ वीडियो है, इसके आधार से आप ना ट्रेड करें तो ही अच्छा है। दूसरी चीज़ है कि 38,993 से जो वापस पुट स्टार्ट होगी तो ये सप्लाई जोन है यहाँ तक का, 38,993 से लेके 38,433 तक का बराबर। तो ये चैनल यहाँ तक बन सकती है सप्लाई जोन की बराबर। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे डेटा को आप सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से ले, और एक चीज़ है कि भाई इसे आप है ना उसी तरह काम करें कि जैसे मैंने कहा कि पेपर ट्रेडिंग से काम करें या भगवान का स्मरण करें उनकी याद में। तो यहाँ से एक सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन के बाद में यहाँ से वापिस से एक बाय आ सकती है 38,433 तक की, और वो कुछ यहाँ तक जा सकती है। लेकिन कुछ CP बाय नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि मार्केट का नज़ारा क्या है। तो 38,433 से 38,554 तक का सी 18-8 को,
उसके बाद में वापिस से डिमांड जोन तक जाएगा यानी सप्लाई जोन तक जाएगा, कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं मिलेंगे, हो सकता है वापिस पुट हो जाए। तो 38,454 से 38,146 की पुट है, फ्राइडे है। तो फ्राइडे को मान लो कोई भी आप अगर मान लो कि आपका पैसा यहाँ पे 0-0 हो रहा है पुट के अंदर या सी के अंदर, और आप सोच रहे हो कि फ्राइडे के अंदर मार्केट गैप अप खुल जाएगा तो मैं कमा लूँगा, वैसा ना करें, कृपया करके जल्दबाजी ना करें। क्योंकि अगर मान लो फ्यूचर बाय कर रहे हो तो फ्यूचर में भी आपको धोखा मिल सकता है वेनसडे के दिन, तो मार्केट शायद गैप डाउन ओपन हो जाए और आपके पैसे की वहाँ पे भी धज्जियाँ उड़ सकती है। तो मेरी कृपया निवेदन है कि इस वीक में आप ट्रेडिंग ना करें, वही आपके लिए बेहतर है। बराबर, तो यहाँ पर फ्राइडे मान लो नीचे गैप अप खुल गया, मान लो गैप डाउन खुल गया मान लो, तो यहाँ पर 38,146 का आपको लो मिल जाएगा। उसके बाद में 38,641 के बाद में डिमांड जोन है वो है, और 38,306 की सप्लाई जोन तक मार्केट जाएगा। ये सप्लाई चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, सप्लाई जोन है वहाँ पे। अब सप्लाई जोन से जैसे मार्केट जाता है ना, तो वहाँ से वापस एक चैनल बनती है, पैटर्न बनती है, तो वो पैटर्न लाएगी आपको डिमांड जोन तक। वो डिमांड जोन नेक्स्ट है लेवल 37,926 का। अब ये 37,926 जैसे लाया मार्केट ने, वहाँ पे ट्रेड रिवर्सल हो रहा है, समझ लो कि वहाँ से एक नया डिमांड जोन बन रहा है। और ये सब चीज़ें शुक्रवार के दिन हो सकती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इंतजार करना है। मान लो ये 1200 पॉइंट की मूवी मिल रही है तो मैं तो लो भगवान के नाम पे इस मूव को छोड़ दो और बिजनेस न करो, उसमें ही अच्छा है पहली बात तो। बराबर, तो 37,926 तक मान लो मार्केट आया, तो यहाँ से सोमवार के दिन से आपके लिए एक नया सूरज उगने वाला है समझ लो, और सोमवार के दिन से एक नई ऊंचाई पर आप जा सकते हो, और आपको 400 से 800 पॉइंट की मूव आपको मंडे को मिल सकती है। बराबर, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आभार। मेरी वीडियो है जो वो एजुकेशन पर्पस की वीडियो है, इसको आप सिर्फ माइंड में रखें, पेपर ट्रेडिंग करें इसके आधार पर न चले, कृपया मेरा निवेदन है। सिर्फ मैं बताना चाहता था कि राकेश जी के जो आज डेथ हो जाने पर जो इमोशन क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, तो उसकी इम्पैक्ट मार्केट में क्या उस वजह से पड़ने वाली है कि या फिर मार्केट अपना जो ट्रेड रिवर्सल बताता है बार बार हायर लोअर देता है या जो भी कुछ होता है वो वजह काम में आने वाली है। तो इन दोनों का तो विषय भाई आपको तय करना है, मैं तो इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ मार्केट में, मैं तो नया नया हूँ मार्केट के अंदर। लेकिन जो ट्रेड मेरा है, तो मेरा ट्रेड जो होता है ना, तो इस तरह से होता है कि मैं हमेशा इंतजार करता हूँ सही दिन का और सही वक्त का, इस तरह एकदम से हायर लोअर में कभी एंट्री नहीं लेता हूँ, और इस तरह से एजुकेशन पर्पज़ के माध्यम से ही मैं ऊपर जाता हूँ। बराबर, तो यहाँ पर मेरी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आपको अगर मान लो मेरी टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, यहाँ पर कुछ डेटा आपको मिल जाएंगे, कुछ प्रॉफिट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ एजुकेशन पर्पस की वीडियो आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मेरी मिल जाएगी वहाँ पर। केवल एजुकेशन पर्पस से ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, और लर्निंग ही, और काफ़ी सारे प्रॉफिट भी निकल के आते हैं, आपको सब चैनल में मिल जाएंगे, सारी अपडेट मिल जाएगी। ये जैसे 2 डे प्रॉफिट है, तो मैंने एक आगाही की थी 700 पॉइंट की आगाही की थी, बस मैं 2 दिन के अंदर हमारे ग्रुप ने 50 लाख का यानी प्रॉफिट कमाया टोटल 2 दिन के अंदर, वो पूरा स्क्रीनशॉट आपके सामने। तो आपको जुड़ना है मेरी चैनल से तो बहुत कम निवेश के अंदर, 5,000 या 10,000 निवेश के अंदर ही मैं स्टार्ट करवाता हूँ, और उसी में ऑप्शन ट्रेडिंग, छोटी मोटी ट्रेडिंग देता हूँ, कोई बड़ा वो नहीं हो कहने का मतलब, लेकिन बेसिक का अगर नॉलेज हो आपको, मेडिटेशन का नॉलेज हो आपको मान लो, तो बहुत आसान बन जाता है मार्केट को आपको समझना। तो मेडिटेशन पावर के लिए आपको अगर मेडिटेशन पावर से भी जुड़ना हो तो मेरी ये चैनल आपको बहुत काम में आने वाली है, कि जहाँ पर मैं इस तरह का नॉलेज देता हूँ कि नॉलेज क्रिएट माइंड पावर एंड माइंड इज क्रिएट प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे 7 चक्रों, जी 7 चक्र का जो आप पूरे बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म चक्र जिसे कहते हैं, अगर इसे मान लो एक्टिव कर लिया, जैसे राकेश जी ने एक्टिव किया था, वैसे काफ़ी सारे उद्योगपति ने एक्टिव किया, वही अगर मान लो एक्टिव कर लेते हो, और ओपन ऑल और चक्रास कनेक्ट यूनिवर्स, तो ये जो यूनिवर्स है इसके कनेक्टिंग के माध्यम से आप मनी मेडिटेशन से लेकर मनी को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मेडिटेशन से मनी को कनेक्ट करना बहुत ईजी है मार्केट के अंदर, तो उस तरह का बेसिक माइंड पावर जो मेरा कोर्स है वो मैं देता हूँ, और माइंड पावर कोर्स के अंदर बेसिक जो जानकारी है स्टॉक मार्केट की देता हूँ। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, मेरी वीडियो पे बने रहे आप। बहुत दुख भरा दिन है, और बहुत दुख भरा अगला जो वीक है, तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया के ट्रेडिंग न करें उनकी याद में।